वहां पे धोनी फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सूरज सिंह जी भी वहां मौजूद थे। उन्होंने मुझे बोला कि रिया चक्रवर्ती यहाँ आने वाली है। मैंने पूछा कौन है, उन्होंने मुझे कहा ये सुशांत की गर्लफ्रेंड है, यहाँ आना चाहती है, वो अंतिम दर्शन करना चाहती है। रिया चक्रवर्ती मेरे साथ थी, बासमती थी। जैसे मैंने उसका चेहरे से पर्दा हटाया, उसने हाथ रखा चेस्ट के ऊपर, उसने सॉरी बोला, वापस बोला सॉरी बाबू। तो मुझे खटका कि बात करा दुबई का, संदीप सिंह और ऑफिसर दुबई की बातचीत कर रहे थे। जब मैंने उसको देखा तो समझ गया कि ये बातें सुन रहे हैं हमारी। वो डर चुका था, उसका कहीं ना कहीं दुबई से लिंक है। तो संदीप सिंह पहले तो मुझे आउट करवाया, फिर संदीप सिंह उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं डाला, फिर संदीप सिंह मुझे ब्लॉक किया, फिर संदीप सिंह सीबीआई की दरकिनार के बोला सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। जैसे ही मैंने उस बॉडी को देखा, ये जो गले का जो ये पट्टे वाला जो मैंने यहाँ निशान देखा, मुझे पता चल गया था कि सुशांत के साथ अन्याय हुआ है, उसका मर्डर हुआ है। The CBI probe has been going on in full swing, and we have Surjit Singh Rathod joining us for a conversation today. For those who don't know, Surjit was also the same man who escorted Riya to the morgue where Sushant's body laid. Surjit, welcome to Pink Villa. आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला, वक्त निकाला हमारे लिए। So, सुरजीत, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि एक वीडियो वायरल हुआ है जहाँ पे मॉर्ग में जो काम करते जो कर्मचारी है मॉर्ग के, वो लोग बोल रहे हैं कि घर वाले भी अलाउड नहीं होते मॉर्ग के अंडर डेड बॉडी के पास। तो रिया चक्रवर्ती के साथ आप जो अंदर गए थे, तो उनको परमिशन कहाँ से मिल गया? नहीं, घर पे डेड बॉडी लेने जाते तो घर वाले जाते, अलाउड क्यों नहीं होते? वो तो ब्लड रिलेशन वाले होते हैं, जो बॉडी रिसीव करते हैं तो वो लोग जाते हैं। हमने वहां पूछा है, हमने परमिशन ली है, विदाउट परमिशन हम नहीं घुसे। हमें पता नहीं ना कौन से डीप फ्रिज के अंदर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। मैं अंदर गया हूँ, वहां के स्टाफ ने हमें परमिशन दी, स्टाफ खुद अंदर घुस के हमें लेके गया अंदर। उसने पार्थिव शरीर बाहर निकाला डीप फ्रिज से, उसका शव देखा है मैंने। विदाउट परमिशन हम नहीं गए, परमिशन लेके ही हम अंदर गए। अच्छा, तो मेरे को आप बताइए कि आपको किसने कॉल किया था उनके साथ अंदर जाने के लिए? आप किनके किसके कहने पे गए उनके साथ? आप रिया चक्रवर्ती को जानते थे पहले? किसी ने कॉल नहीं किया, मैं वहां पे ऑन द स्पॉट मौजूद था। वहां पे धोनी फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सूरज सिंह जी भी वहां मौजूद थे। उन्होंने मुझे बोला कि रिया चक्रवर्ती यहाँ आने वाली है। मैंने पूछा कौन है, उन्होंने मुझे कहा ये सुशांत की गर्लफ्रेंड है, यहाँ आना चाहती है, वो अंतिम दर्शन करना चाहती है। मैंने कहा ठीक है, मुझे मैं क्यों किसी को रोकूं? वो गर्लफ्रेंड थी, मेरे से ज्यादा रिलेशन था, वो क्लोज थे, सुशांत की गर्लफ्रेंड थी, तो मेरा कोई हक नहीं है उसके ऊपर उसको रोकना भगाना। वो वहां पे आई है, मैंने उसको कहा है, फिर हमने स्टाफ से बात किया है, स्टाफ लोगों ने परमिशन दी है, फिर हम अंदर गए। मुझे किसी का कॉल नहीं आया कि रिया चतुर्थी से मेरे को डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है मेरा। एक चीज मुझे बताइए, जब आपने सुशांत की बॉडी को देखा तो आपने क्या क्या चीजें नोटिस की? आपको शंका हुई कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है? क्योंकि तब तो सुसाइड सुसाइड सब बोल रहे थे। बिल्कुल, मुझे उसी टाइम पता चल गया था। जैसे ही मैंने उस बॉडी को देखा, ये जो गले का जो ये पट्टे वाला जो मैंने यहाँ निशान देखा, मुझे पता चल गया था कि सुशांत के साथ अन्याय हुआ है, उसका मर्डर हुआ है। मैंने उसी वक्त कह दिया, मैंने करनी सेना के सभी देश के मेरे लोगों को मैंने कह दिया कि सुशांत का मर्डर हुआ है, आप मांग रहे सीबीआई जांच की। मैंने उसी दिन से ऐलान कर दिया। आज तक पूरे देश के अंदर एक एक करनी सैनिक झंडा लेके सड़कों पे उतरे थे सीबीआई जांच के लिए। और क्या देखा आपने? बोला है कि उनका उनका बॉडी आपने देखा, कहीं कहीं जगह कुछ टूटा हुआ था, कुछ हड्डी टूटा था। ये एक ये कह रहे हैं कि उसका पेट टूटा हुआ था। जब मैंने देखा, मुझे अंदर तो मैं वो डॉक्टर तो मैं हूं नहीं कि अंदर घुस के मैंने पेट देखा टूटा है कि नहीं है। वहां पे मैं उसकी वो चेक करने नहीं गया था, पेट थे, सीधे बॉडी रखी हुई थी, सीधा पेट था उसका। गले पे जो निशान था वो निशान मैंने देखा है, एडा टेढ़ा मेढा वो ऐसा कुछ भी नहीं था कि पेट टेढ़ा था, उसकी गर्दन टेढ़ी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो फोटो उसके घर से वायरल हुई थी सुशांत की डेथ होने के बाद में, सेम वैसा ही फेस उसका था। एक आंख थोड़ी कम बनती, एक थोड़ी ज्यादा खुली हुई थी, होंठ थोड़े खुले हुए थे, सेम वैसे का वैसा मैंने उसको देखा था। बॉडी में सूजन भी थी। रिया चक्रवर्ती मेरे साथ थी, पास में थी।
जैसे मैंने उसका चेहरे से पर्दा हटाया, उसने हाथ रखा चेस्ट के ऊपर, उसने सॉरी बोला, वहां पे बोला सॉरी बाबू। तो मुझे खटका कि जब हम मैं आज तक मैं कहीं पे भी गया हूँ, किसी भी डेस्क पे गया हूँ, तो किसी से मैंने ये नहीं सुना कि सॉरी सॉरी बाबू, सॉरी फलाना, सॉरी वो फलाना। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने बोला और मैंने दुनिया को बताया है। अच्छा, आप मेरे को बताइए कि आप जब अंदर गए, अंदर कितने टाइम तक आप और रिया वहां पे थे बॉडी के साथ? वो चार पांच मिनट का समय था, चार पांच मिनट का समय था हमारे जो अंदर गए बाहर निकलने का। और रिया ने और कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक बार दर्शन किया बॉडी का, देखा और कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ इतना कहा सॉरी बाबू। जब आप थे वहां पे तो आपको संदीप सिंह से मुलाकात करवाई सूरज सिंह जी ने, और फिर आपने क्या सुना? आपने उनको फोन पे बात करते हुए सुनी, तो क्या क्या बातें सुनी, क्या हुआ उसके बाद? नहीं, फोन ऑन पे कोई बातें नहीं हुई, हम तो फेस टू फेस मिले, फेस टू फेस मेरी मुलाकात हुई थी संदीप सिंह से, फेस टू फेस मुलाकात हुई सूरज सिंह से। हम खड़े थे जब वो इधर उधर काम चीज जो कर रहा था, बॉडी पोस्टमार्टम की जो भी है डिटेल वगैरह वो पूछ रहा था, बॉडी रिसीव करने के लिए आए काम, और एम्बुलेंस लेके वो आया था, सब कुछ जो काम कर रहा। तो मैंने देखा कि बंदा कौन है, मैंने सूरज सिंह से पूछा कि कौन है भाई ये। उन्होंने मुझे वो कहा ये संदीप सिंह है, सुशांत का दोस्त है। तो मैं भी चाहे चलो सुशांत का दोस्त है, चलो खड़ा है आज काम कर रहा है, उस परिवार के साथ खड़ा तो है, क्योंकि उसका परिवार तो कोई यहाँ कोई रहता नहीं था। मेरी तो ये मुझे ये पता है कि उसका परिवार यहाँ नहीं था उसके साथ उस दिन। मैंने कहा चलो ये परिवार के साथ खड़ा है, यहाँ पे कोई मजबूत आदमी खड़ा है। जब हमारी मुलाकात हुई होने के बाद में जब बताया कि ये सुरजीत सिंह राठौड़ है, संदीप सिंह और करणी सेना से है, और प्रोड्यूसर भी है, वो बंदा करनी सेना का नाम गया, वो वहां से भाग गया, वहीं से भाग गया। फिर थोड़ी देर बाद में वापस आता है, वो आके एक पुलिस ऑफिसर भी आते हैं बातचीत कर, उसको ये पता चल गया कि सुरजीत सिंह राठौड़ है, ये करनी सेना से है, क्यों करनी सेना से उसको पता है कि संदीप लाभंसाली का वो सियोर रह चुका है संदीप सिंह करनी सेना के बारे में, तो वो डर चुका था। तो इसलिए जब पुलिस ऑफिसर से मुझे बाहर जाने के लिए कहा, जब वो एक दुबई से बात करा दुबई का संदीप सिंह और ऑफिसर दुबई की बातचीत कर रहे थे, जब मैंने उसको देखा तो समझ गया कि ये बातें सुन रहे हैं हमारी। वो डर चुका था, उसका कहीं ना कहीं दुबई से लिंक है, कहीं ना कहीं उस दिन कोई बात हुई होगी, 13 तारीख को बात हो या 14 तारीख को बात हो, या ऐसी कोई बात हुई होगी जिसे आंखों के इशारों से मुझे वहां आउट करवाया गया था संदीप सिंह ने। तब मुझे शक हुआ कि कहीं ना कहीं इस मौत जो सुशांत का जो राज है, क्या हुई है उसकी, संदीप सिंह इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन जो मेरा आपसे होगा ये है कि आपने कहीं पे बोला है कि संदीप सिंह सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है, बिल्कुल आपको ऐसा क्या क्यों लगा? देखिए मैं बोल रहा हूँ मास्टरमाइंड क्यों है, सुनिए पूरी दुनिया को भी ये दिखाना। संदीप सिंह पहले तो ऑफिसर के माध्यम से मुझे आउट करवाता है, क्या हक है? किसी के अंतिम संस्कार में हम जाते हैं तो वो व्यक्ति तय करता है कि हमारे अंतिम संस्कार में कौन कौन आने वाले हैं, कौन कौन नहीं आने वाले हैं, सब लोग जा सकते हैं अंतिम संस्कार में। तो संदीप सिंह पहले तो मुझे आउट करवाया, फिर संदीप सिंह उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं डाला, फिर संदीप सिंह मुझे ब्लॉक किया, फिर संदीप सिंह सीबीआई की दरकिनार के बोला सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। ऐसे चार चार पांच पांच जो पॉइंट है, जो बातें हैं जो मैंने सुनी है, मैंने देखा है, इसका मेरा सीधा सीधा आरोप है। संदीप सिंह को किसका फोन आया क्या, वो तो भगवान जाने, कॉल डिटेल निकाल लेनी चाहिए अब तक संदीप सिंह, कॉल डिटेल निकल जानी चाहिए अब तक संदीप सिंह की, 13, 14, 15, 16, 11, 12 को किन किन लोगों से उसने बात की, कॉल डिटेल आ जानी चाहिए। संदीप सिंह ने दुबई का नाम यूज किया है मुझे ये पता है, इसके आगे उसने क्या ऑफिसर को बोला, 2-3 सेकंड के अंदर तो मुझे आउट करवा दिया उसने। जुड़ा हुआ है उसका तार दुबई से जुड़ा हुआ है, बस। सुशांत सिंह राजपूत मेरा भाई था, राजपूत परिवार से था, मैं राजपूत करनी सेना, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का पद अधिकारी था, मेरा धर्म था, मेरा कर्तव्य था उसके साथ, उसके परिवार के साथ खड़ा होने का, क्योंकि हम राजपूत हैं, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं प्रोड्यूसर रहा हूँ फिल्म का, बाहर के लोगों के साथ अन्याय होगा मैं कभी जिंदगी में सह नहीं कर सकता, मैं हर उस कलाकार के साथ। बट सर आपको मुझे ये चीज पूछनी है, क्योंकि आपने बोला कि आप करनी सेना के
साथ काम करते हो, जब पद्मावत के साथ वो प्रॉब्लम हो रही थी तब सुशांत सिंह राजपूत ने अपने नाम से राजपूत हटा दिया था सपोर्ट करने के लिए संजय लीला भंसाली को, और करणी सेना ने तभी उसकी कड़ी निंदा की थी ऑनलाइन। तो बिल्कुल की थी, तो ये संदीप सिंह ने ही सुशांत को गुमराह किया था। ये संदीप सिंह है जिसने सुशांत को गुमराह किया था। एक अच्छा व्यक्ति, वो सिंपल साधारण व्यक्ति था, सुशांत इंटेलिजेंट था, वो हर चीज में माहिर था, लेकिन ये संदीप सिंह ने उसको गुमराह किया। बोला भाई उसको तुझे भंसाली की ये फिल्म दिलाऊंगा, तुझे वो कराऊंगा, तू सपोर्ट कर, समर्थन। मैं समझ सकता हूँ, इंडस्ट्री में मैं हूँ, मैं समझ सकता हूँ, इंडस्ट्री एक परिवार है, साथ उठना बैठना, समर्थन देना, बातचीत होती है। लेकिन संदीप सिंह ने राजपूत समाज के खिलाफ करवाया सुशांत को। हमें उस टाइम दुख हुआ था, लेकिन वो हमारा भाई था। हमें बोला सुशांत ने, हमें बोला करणी सेना को, बोला हमारा भाई था, हमें बोला ना, दुनिया को थोड़े बोला, हमें बोला, हम मानते बोला हम, लेकिन उसके साथ अन्याय होगा। ये करणी सेना कभी करणी सेना उन व्यक्तियों को माफ नहीं करेगी। सुशांत के परिवार के साथ खड़ी है, संदीप सिंह को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे तक लेके जाएगी। पर आपको लगता है कि करणी सेना, सुशांत ने इस मामले में भी करणी सेना की निंदा की थी, क्योंकि बोला गया था कि जहां पे भी दीपिका को देखेंगे दीपिका का गला काट देंगे, ऐसी भी चीजें बोली गई थी तब के तब, जिसके वजह से शायद सुशांत ने ऐसा किया है, जितना मुझे याद है सुशांत ने इस कारण किया। जब आंदोलन होता है, जब कोई विरोध है, बहुत सारे के बहुत प्रकार के लोग होते हैं आंदोलन में, बहुत अलग अलग लोग होते हैं, किसी की भावनाओं के ऊपर, किसी की शब्दों के ऊपर इंसान को नहीं जाना चाहिए। कोई कुछ भी शब्दों, क्यों वो पल ही ऐसा होता है, किसी के जवान कुछ भी निकल जाए, क्योंकि वहां जब अत्याचार हो रहा था, देश के इतिहास को तोड़ मोड़ किया जा रहा था, तो करणी सेना माफ नहीं करेगी। अगर हमारे घर पे आंच आएगी, करणी सेना माफ करेगी नहीं, कोई भी माफ नहीं करेगा। गर्दन इतिहास है हमारा, हिंदुस्तान का इतिहास है सर। पर किसी को अगर आप गर्दन काटने दे रहे हो तो वो ठीक है, गर्दन जो जिसने बोला उसके पास जाइए ना भैया, मैंने तो कहा नहीं मैं गर्दन काटूंगा। नहीं बट सुशा करणी सेना को रिप्रेजेंट करते हो ना आप, तो करणी सेना ने बोला था और उसी के शब्दों पे ना जाए व्यक्ति, जो पल ऐसा भी होता है उनके शब्दों पे नहीं जाना, उनकी समस्या को समझना चाहिए कि ये क्यों बोल रहा है, ये व्यक्ति क्या हो गया जो गर्दन काटने पे आ गया। वो तो किसी को दिखा नहीं कि क्यों गर्दन काटना चाहता है। दीपिका पादुकोण कौन होने वाली है फिल्म को रिलीज करवाने वाली, दीपिका पादुकोण कौन होती है जो हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ करने वाली, कौन होती है? वो एक कलाकार थी, उसने काम किया ठीक है, लेकिन हमारे इतिहास को तोड़ना, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम नहीं कर सकती दीपिका पादुकोण। ठीक है, थैंक यू, आपने टाइम निकाला, वक्त निकाला हमारे लिए अभी।